मुखर्जी नगर के उस भीड़ भरे चौराहे पर इस वक्त वाहनों की रेल बेल मची हुई थी। चार पहिया और दो पहिया वाहनों का तो ताता ही लगा हुआ था, बल्कि ई रिक्शा वालों का वो अलग ही भौकाल मचा हुआ था। आलम यह था कि मुखर्जी नगर चौराहे से धीरपुर गांव निरंकार कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर तो एक कोहराम सा मचा हुआ था। ई रिक्शा चालकों की आवाजें और उनकी वजह से जाम की स्थिति बनने की वजह से वाहनों के सायरन की चिल्लम पौने उस चौराहे पर कदर का माहौल बनाया हुआ था। भुवन इस वक्त चौराहे पर ही एक चाय की टपरी पर खड़े हुए उस सारे नजारे को बड़े ही उत्सुकता से निहार रहा था। कैसन जंगल है ये शहर भी, इससे तो हमारे गांव में कितनी शांति रही। कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल की हारन ही कभी कभार कानों में सुनाई पड़ा थे। यहां देखो, ससुराल ने कान फोड़ रखे। भुवन मन ही मन पड़बड़ा रहा था। अबे साइड में हो जा बिहारी, सालों पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया हो, कम से कम रोड तो छोड़ दो। तभी एक स्कूटी सवार ने उसे हकारत से देखते हुए हड़का दिया था। भुवन उसकी बात सुनकर खून का घूंट भर कर रह गया था। अभी उसे मुखर्जी नगर में आए हुए दो ही दिन हुए थे और वो इस प्रदेश में किसी से उलझना नहीं चाहता था। साले अगर होता तू अपने बिहार में तो गोलियां ठोक देते तोहार कपार में। भुवन इस बार भी मन ही मन बुदबुदाया था। वो स्कूटी वाला बंदा उसे हड़का कर कब का वहां से 9:00-11:00 हो चुका था। अरे भैया इधर स्टूल पर बैठकर चाय का नहीं पी लेते, बीच रास्ते में तो कोई ना कोई बोलता ही रहेगा ना। तभी उस चाय की टपरी वाले ने भुवन को नसीहत देते हुए कहा, तो वो ससुर प्यार से भी तो हटने के लिए बोल सकता था, इतना बकवास करने की क्या जरूरत थी। ये राजधानी का उसका बाप की है जो दूसरा यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। भुवन का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। भैया ही प्रदेश में अब किस किस से लड़ते रहोगे, अपना जो काम करने आए हो उसमें मन लगाओ, बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा है। वो टपरी वाला समझ चुका था कि ये पक्षी अभी अभी नया नया मुखर्जी नगर में आया। हम तो अपना काम ही करने आए हैं भैया। ये बोलकर चाय के खाली कप को उसने एक तरफ रखा और चाय के 10 रुपए उसकी ओर बढ़ा दिए। भैया जितने पैसे चाय के ले रहे हो उतने पैसे की चाय भी तो दिया करो, ऐसा लगता है कि चाय की जगह बस पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पी रहे हो। भुवन ने बड़े ही दुखी मन से 10 का नोट उस टपरी वाले की ओर बढ़ाया। टपरी वाले ने भुवन की बात सुनकर ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसके मुंह में कुनैन की कड़वी गोली रख दी हो। दो चीनी और गैस का भाव देखे हो, कहां से कहां पहुंच गया। शुक्र करो कि अभी 10 रुपया में 2 बूंद तो मिल रही है। वो समय आने वाला है जब 10 रुपया में सिर्फ चाय की फोटो दिखेगी। वो टपरी वाला बातों में भुवन का भी उस्ताद था। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं, 10 रुपए में कम से कम 2 घूंट चाय तो दो। ये बोलकर भुवन वहां रुका नहीं बल्कि वहां से तेज कदमों से निकल गया। वो जानता था कि वो टपरी वाला भी बातें बनाने में माहिर इंसान था। पता नहीं कैसा इलाका था ये मुखर्जी नगर, लड़कियां यहां सिगरेट पीती थी और आधी नंगी पुंगी घूमती रहती थी, खुलेआम लड़कों के हाथ में अपना हाथ डालकर डोलती रहती थी। अब उसके कमरे के साथ वाली प्रीति दिन भर में पता नहीं कितनी डब्बी सिगरेट की फूंक देती थी। कहां आकर फंस गया यार, इससे तो अपने गांव में ही भले थे, भुवन ने मन ही मन सोचा। भुवन को अब रह रहकर अपने गांव की याद सताने लगी थी। गांव में उसका बाबू, उसकी माई और उसकी छोटी बहन को लबिया, उन तीनों का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम गया। किसी चलचित्र की भांति पिछले दिनों घटी गांव की एक एक बात उसके जहन में उभरने लगी थी। भुवन के करीब पिता ने एक सपना देखा था कि उसका बेटा एक बड़ा सरकारी अफसर बने। अपने पिता के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बिहार के एक सुदूर गांव का लड़का दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गया था, जिसे IAS परीक्षा की तैयारी करने वालों का गढ़ माना जाता है, जहां लाखों युवकों में से चंद लोगों के सपने ही पूरे हो पाते हैं। क्या भुवन अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाया? आखिर क्यों वो मुखर्जी नगर की उस स्वप्न नगरी से निकलकर रेलवे स्टेशन पर हम्माली का काम करने लगा था? ऐसा क्या हुआ था कि भुवन को कुली का काम करना पड़ गया था? क्या वो भी उन लाखों युवकों की भीड़ में शामिल हो गया था जिनके सपने कुछ ही समय में मुखर्जी नगर की भेड़चाल में फंसकर दम तोड़ देते हैं?
भुवन के सिर से जब पाप का साया उठा, तब कैसे संभाला उसने अपने परिवार और सपने का भार। एक बेचारी मां की मजबूरी, गरीबी और तन्हाई को भुवन कैसे दूर कर पाएगा? दिमाग में लाल बत्ती की सनक और जिंदगी में इतनी अड़चन, कैसा होगा भुवन का सफर? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये